थाना अंतर्गत शिवसेना के कार्यकर्ता मोहन नगर निवासी लॉरेंस ग्रेगरी ने 15 अगस्त को फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, जिसमें नुपुर शर्मा के समर्थन की बात भी लिखी थी, जिसके बाद लॉरेंस के घर पर सफेद कागज में लिखी हुई धमकी पत्थर के द्वारा घर में फेंकी गई, जिसमें लिखा गया है कि काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएंगे। नागपुर में आज एक अलग मामला सामने आया है, जिसमें शिवसेना के एक कार्यकर्ता को जान से मारने की धमकी दी गई। ये धमकी का संदेश पढ़कर लॉरेंस के परिवार वाले सदमे में है। लॉरेंस के बताने पर शिवसेना शहर प्रमुख नितिन तिवारी ने मामले की जानकारी पुलिस आयुक्त मितेश कुमार को फोन पर दी। पुलिस आयुक्त ने परिमंडल 2 के DCP विश्वराज तेली को एक्शन के निर्देश दिए। तिवारी ने भी फोन पर DCP साहब से बात कर पोस्ट एवं धमकी पत्र की कॉपी व्हाट्सएप पर भेजी। DCP तेली ने सदर के थानेदार को तुरंत प्रभाव से मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। शिवसेना ने लॉरेंस ग्रेगरी को जान का धोखा होने के कारण पुलिस सुरक्षा की मांग की है, जिस पर DCP तेली ने पुलिस प्रोटेक्शन देने का आश्वासन शहर प्रमुख तिवारी को दिया है। फिलहाल लॉरेंस सदर थाने में है और FIR की प्रोसेस जारी है। कार्यकर्ता के घर पे कुछ आपत्तिजनक पोस्ट करने के बाद सटन मिला है, सटन आया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ पूरा मामला था, क्या भैया जी? लॉरेंस जॉन ग्रेसरी, उम्र 35 साल, मोहन नगर गड्डेगोदाम के रहने वाले है जी। इन्होंने कल शाम को पुलिस स्टेशन में आके एक तकरार दी है कि 3 महीना पहले उनके घर के सामने में कोई एक अज्ञात व्यक्ति आया था 2-व्हीलर वाहन लेके, उनके नाम से पूछ रहा था उनको, और जब उन्होंने बताया कि वही लॉरेंस है तो उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की खोल के उनको दिखाया था, और उस गाड़ी में उनको कोई शस्त्र जैसा कुछ सामान दिखा था, और वो व्यक्ति वहाँ से चले गया था। उसके बाद में 9 तारीख को इन्होंने एक पोस्ट की थी फेसबुक के ऊपर में स्वतंत्र दिन के निमित्त और स्पीच फ्रीडम के संबंध में। उसके बाद में 12 तारीख को जब ये घर से सो के उठे और घर के बाहर में आए तो उनको घर के सामने गेट के बाद में एक सफ़ेद रंग की चिट्ठी मुड़ी हुई उनको दिखी वहाँ पे, तो उन्होंने पढ़ के दिखा, तो उसमें लिखा था उसमें कि तेरी गर्दन नहीं बचेगी, ऐसा कुछ उसमें लिखा उनको दिखा। तो इस बारे में उन्होंने कल हमें पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दी, तो उनकी रिपोर्ट पे से हमने कलम 506(2) भागवी के तहत हमने मामला दर्ज किया है और उसकी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। के बारे में क्या एक नुपुर शर्मा के बारे में एक फ्रीडम स्पीच के बारे में उसने उल्लेख किया था, और भी उसने बहुत सी उसमें बातें उसने लिखी हुई थी, बहुत लंबी पोस्ट थी, और ज़्यादातर तो उसने उसमें खुद के बारे में ही उसमें लिखा हुआ था उसके अंदर में। हाँ, दी गई है जो फिरिया है उसे हमने पुलिस सुरक्षा दी गई है। जय महाराष्ट्र, मैं लॉरेंस ग्रेगरी, शिवसेना का उपशहर प्रमुख। मेरे साथ एक मामला ऐसा हुआ है कि 9 अगस्त को मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक में मेरे पॉलिटिशियन पेज के जरिए और मेरी स्टोरी के जरिए, जो कि मैंने सुबह में शाम के समय में पोस्ट डाला था मेरे ऑफिस के डेस्कटॉप से, और सुबह के समय उसके डिलीट भी कर दिया था। और पोस्ट ऐसा था कि वो गणतंत्र दिवस के बारे में 15 अगस्त का पोस्ट था, 9 अगस्त को डाला था, 12 अगस्त को मेरे को धमकी मिली है सफ़ेद कागज़ में लाल स्याही से, काफिर अब तेरी गर्दन उतारी जाएगी, ऐसा करके मेरे घर पे एक मैसेज फेंका गया है, जिसके वजह से मेरे घर वाले बहुत परेशान हैं, बहुत तनाव का माहौल फैल चुका है, पूरे वातावरण बहुत तनावपूर्ण है, मेरे घर के सब लोग परेशान हैं, नियर एंड डियर वंस परेशान हैं, और जो भी हमारे शिवसेना के पूरा नागपुर शहर सभी का कॉल आना मेरे को चालू हो गया है, लोग मेरे घर पे आ रहे हैं, और 12 अगस्त की घटना है, 15 अगस्त को मेरे घर के सामने बिल्ली मार के डाली गई थी, उसके बाद मैंने शहर प्रमुख जो है नितिन तिवारी जी, दूषण चतुर्वेदी जी जो हमारे MLA, उनको मैंने कांटेक्ट करके ये सारी मामलात के बारे में बताया, उन्होंने मेरे को ताबड़तोड़ पोस्ट क्या लिखी, क्या लिखा? पोस्ट ये लिखा था कि गणतंत्र दिवस के बारे में मैंने पोस्ट लिखा था, जिसमें नुपुर शर्मा के बारे में जिक्र किया गया था। नुपुर शर्मा के बारे में अभी ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि मैं शिवसेना का रहने के बाद नुपुर शर्मा को कैसे सपोर्ट कर रहा। नुपुर शर्मा को मैंने किसी भी चीज़ में कोई तरीके से सपोर्ट किया नहीं है, उसकी कॉन्ट्रोवर्सी, उसके जगह जो भी उन्होंने पैगंबर के बारे में बोला वो गलत है, मैंने उस बारे में कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिपेंडेंट इंडिया, 75 ग्लोरियस ईयर्स, इसके बारे में जिक्र किया था, उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच था, उसको जो बोलना था उसने आके बोला। नुपुर शर्मा के बारे में मैंने इतना बोला, कन्हैया लाल के किलिंग के बारे में बोला है, जिसके बारे में तीव्र आंदोलन शिवसेना शहर ने किया था वेराइटी स्क्वायर पे। मैंने कश्मीर फाइल्स के बारे में जिक्र किया है, मैंने जो मेरी उपलब्धियां हैं, मैं एक्स मर्चेंट नेवी ऑफिसर हूँ, उसके बारे में जिक्र किया है, मैंने स्कॉटलैंड से पढ़ाई पूरी करी,
है उसके बारे में जिक्र किया, भोसला मिलिट्री स्कूल में मैं जब था एनडीए का एग्जाम दिया था नेशनल डिफेंस एकेडमी का, उसके बारे में जिक्र किया। 2021 में कुछ लड़कियों ने जो अपने आप को हमला नहीं हुआ है, ये क्या कुछ कहना चाहिए? उस मामले से रिलेटेड ये कुछ भी इशू नहीं है, वो मामला मेरे एक्सटॉर्शन का था, मेरे से एक्सटॉर्शन मनी मांग रही थी वो लड़कियाँ, लड़की होने का फायदा उठाया जा रहा था, तो मैंने वो अपने सीनियर को बताया था। लेकिन जब तक मैं कुछ कर पाता और जब तक कुछ एक्शन ले पाता, उन्होंने यहाँ दो चार को जमा करके उलट फिर मेरे पे ही वो झूठा इल्जाम दाखिल करवाया था। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।